नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। राधोगढ़ में बीती रात समय लगभग 9 से 10 बजे राधोगढ़ स्थित लालापुरा में अतिक्रमण हटवाया जा रहा था, तभी तहसीलदार ने दी गालियां। राधोगढ़ तहसील के तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह वहां पहुंचे और एक व्यक्ति ने कहा कि सर और भी मकान अतिक्रमण में है। तहसीलदार बोले, निकले हैं, खाना नहीं खाए हैं, सरकार के काम के लिए ऐसी तैसी करा रहे हैं। गालियां देकर कहा कि तमाशा देखने आ जाते हो और ज्ञान देने लगते हो, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है शासकीय कर्मचारियों को, या तो काम का दबाव करें या फिर काम करने का मन ही नहीं है। हालांकि डिजियाना न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता। मैडम ने फोन लगाया, अपने ही उनके स्टाफ वाले ही नहीं आए आज। 5 घंटा तक पटवारी यहाँ पर रहा है अपना। ये कह रहा हूँ सर, एक मकान ये और है, ये भी देख लो आप, बगल में ये अतिक्रमण ये देखो आप, वो भी देख लो आप, देख लो चल के, आप भी देख लो चल के, कोई दिक्कत थोड़ी बात है। से मतलब निकले हैं, खाना नहीं खाए हैं, है ना, सरकार के काम के लिए ऐसी तैसी करा रहे हैं। मादर चोद तमाशा देखने आ जाते हो और ज्ञान देने लगते हो। जी सर। शहर को सुंदर बनाने की नियत से बनाए गए नवीन जयस्तम चौराहे पर भी लोग अपने हिसाब से गंदगी करना शुरू कर दिया है। लाखों की लागत से बनाए गए जयस्तम चौराहे पर बहुत ही खूबसूरत लाइट की व्यवस्था की गई थी, साथ ही उसको इस तरह से बनाया गया था कि लोग इसके अंदर जाकर गंदगी न कर पाए। पर आज देखने को मिला जब किसी व्यक्ति ने इस खूबसूरत जयस्तम चौराहे पर अपने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए। ये कपड़े दिन भर जयस्तम चौराहे पर टंगे रहे, जिन्हें वहां से उतारने के लिए किसी ने जहमत नहीं उठाई। जयस्तम चौराहे को पूरी तरह से कैमरे में कैद किया गया था, जिसके बाद भी कैसे वहां किसी शख्स द्वारा सुखा दिए गए इसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं किसी को इस सुंदर जयस्तम चौराहे को खराब करने के बारे में जानकारी तक नहीं है। मेड़ छतरी स्वर्णकार समाज द्वारा श्री अजमीर जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन महिलाओं एवं बच्चियों के कार्यक्रम रखे गए, जिसमें बच्चों द्वारा ड्रामा एवं कलर भरो प्रतियोगिता, निबंध लेखन तथा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं के द्वारा निबंध लेखन एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हेयर स्टाइल प्रतियोगिता आदि का आयोजन भी किया गया। इसी कार्यक्रम के दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही आज अंतिम दिन गुड़ के व्यंजन बनाना तथा तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। साथ ही नेत्र शिविर का भी आयोजन इस कार्यक्रम में रखा गया, जिसमें समाज के बच्चों एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रकाश पर्व का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शहर में किया गया, जिसके चलते चल समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं एवं बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम समारोह में महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर चल रही थी, साथ ही भगवान वाल्मीकि की झांकी का प्रदर्शन भी इस चल समारोह के दौरान किया गया। इस चल समारोह में समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
की फसल लेकर आए ग्रामीण हो रहे परेशान। 20 तारीख से सोयाबीन एवं उड़द की खरीद होना थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते कंप्यूटर में फसलें अपडेट नहीं हो पाने से उड़द की फसल की खरीदी नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। वहीं किसान उड़द की फसल लेकर मंडी में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। क्या नाम है आपको? कहाँ से आए? बेड़रा। फसल कौन सी फसल? खराब आर्थिक स्थिति के चलते एक 40 वर्षीय युवक ने घर पर ही लगाई फांसी। बताया जा रहा है कि कंचनपुरा निवासी प्राण सिंह सहरिया उम्र 40 साल, आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते अपने ही घर में फांसी लगा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। वहीं परिजनों की माने तो युवक शराब पीने का आदी था, वहीं शराब के नशे में ही उसने फांसी लगाई है। समस्या शराब पीने के नहीं और लगा रही, और मैंने कहा लड़ाई गई ना कुछ झगड़ा। क्या करते थे? मजदूरी करते थे बस, कल मजदूरी नहीं गए, शराब पीते शराब। विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही सरकारी महकमा चुस्त दिखाई पड़ रहा है। वहीं इसी कड़ी में आज सभी राजनीतिक दलों के सामने ईवीएम मशीन को सील कर पैक चारों विधानसभाओं को आवंटित कर सभी मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच शासकीय कॉलेज में जमा करवाया गया। स्मैक पीने वालों ने चुराया प्राथमिक विद्यालय से देश की शान तिरंगा झंडे को। जिले या प्रदेश का ही नहीं, शायद देश का भी पहला मामला, यहां तिरंगा झंडा चुराने की पहली घटना। शिक्षकों ने जताई स्मैक का नशा करने वालों पर चोरी की आशंका। स्मैक और गांजे का सेवन करने वाले नशेड़चियों का अड्डा बन रहे हैं शासकीय विद्यालय। ग्रामीण शासकीय विद्यालयों पर स्मैकचियों का आतंक। 3 दिन के अंदर ही एक ही शासकीय विद्यालय में 2 बार चोरी की घटना। इसी क्रम में 1 हफ्ते बाद दूसरे शासकीय प्राथमिक विद्यालय में फिर चोरी। एक ही थाना क्षेत्र में शासकीय विद्यालयों में 2 हफ्तों में 3 बार चोरी। मामला गुना जिले के बमोरी ब्लॉक के फतेहगढ़ थाना के अंतर्गत ग्राम कलोरी प्राथमिक विद्यालय का है। यहां 3 दिन के अंदर 2 बार नशे के आदि लोगों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं इसी क्रम में नजदीकी ग्राम रंगपुरा के प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने अपना हाथ साफ किया। विद्यालय से चोरी हुए सामान, टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, यहां तक कि तिरंगा झंडा तक चुरा लिया। तो वहीं रंगपुरा प्राथमिक विद्यालय से गैस सिलेंडर और चूल्हा चुरा ले गए। गुना जिले के बमोरी ब्लॉक के तहत ग्राम कलोरा व ग्राम रंगपुरा के प्राथमिक विद्यालय पर स्मैक आदि नशे के लोगों द्वारा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। यहां के बच्चे भी बता रहे हैं कि उनके यहां किस तरह से नशा करने वालों की तादाद है, कौन कौन से नशे किए जाते हैं। तो वहीं शाला प्रभारी भी चोरों के आतंक से भयभीत हैं और उनको यही चिंता सताती है कि अब पता नहीं चोर क्या चुरा ले जाएंगे। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फतेहगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम रंगपुरा और ग्राम कलोरा, ग्राम विनोरी, ग्राम तुमड़ा, कूड़ा आदि ग्रामों में स्मैक के नशे का कहर है, जिसमें ज्यादातर शिकार युवा पीढ़ी है और नशे के आदि अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी जैसे संगीन अपराध भी कर बैठते हैं। यहाँ नशे का कारोबार फल फूल रहा है। इसी के साथ साथ गांजे का कारोबार भी यहाँ पर बहुत फल फूल रहा है, जिसके शिकार लोगों में क्षेत्र में नाबालिग लोगों की संख्या ज्यादा है। पर हैरानी की बात है कि फतेहगढ़ पुलिस की नाक के नीचे मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त धड़ल्ले से हो रही है, पर पुलिस वारंटियों की धड़ पकड़ कर अपनी पीठ थपथपा रही है। ऐसा भी नहीं कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, पर पता नहीं क्यों फतेहगढ़ पुलिस नशा बेचने वालों कर्ता धर्ताओं के ऊपर मेहरबान है। पुलिस द्वारा नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई या मुहिम न छेड़ना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्यों पुलिस नशे के कारोबारियों पर अपना डंडा नहीं चलाती? क्यों कार्रवाई नहीं करती? क्यों युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेल रही है? क्यों पुलिस क्षेत्र में नशे पर लगाम लगाने में फिसड्डी नजर आ रही है? 1 माह से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद चोरों को न पकड़ा जाना पुलिस की निष्क्रियता दिखाता है और साथ में कई सारे सवाल भी खड़े करता है। झागड़ से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट।
बताओ बेटा, जो स्कूल में चोरी हुई है उनका मतलब किस प्रकार के लोग चोरी करके जाते हैं, क्या है? दारू और गांजा। इसमें चलती है गांव में, है ना? तो कितनी तादाद में स्मैक ची है आपके गांव में, जो स्मैक पीते हैं कितनी तादाद में है लोग? बहुत आएंगे, ज़्यादा है। ये पिछले महीने की 7-8 तारीख को हुई थी, रात को ताला तोड़ के ले गए। क्या ले गए थे? गैस टंकी और चूल्हा, दो ही ले गए और कुछ नहीं ले गए। अच्छा, तो क्या लगता है ये कौन लोग होंगे? कौन की कह सकते हैं, स्मैक वाले हो सकते हैं, बस वही कर सकते हैं, और तो ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता। तो जो आप बता रहे थे जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें नशे के आदि लोग आते हैं? हाँ, स्कूल की छुट्टी होने के बाद आते हैं और नशा वशा करके चले आते हैं। थैली वेली पड़ी रहती है, उसमें दारू की थैली पड़ी रहती है बहुत सारी। अच्छा, तो इसमें कई बार समझाया भी उनको। तो इसमें चीज़ों का कुल मिला के यदि माना जाए तो स्कूल बंद होने के बाद उन्हीं का कब्जा रहता है? हाँ, इक्का दुक्का आते रहते हैं, गाँव वाले परेशान बेचारे सब, गाँव वाले कहते हैं सब। तो ये लोग इसमें के आदि हैं? हाँ, इसमें क्या दी है, लगभग लगभग गत महीने में माह अगस्त में 2 बार चोरियाँ हो गई। दोनों बार का आवेदन मैंने पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ में किया है। 2 बार के आवेदन देने के बाद भी कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई पकड़ा नहीं गया है। अभी भी हम यहाँ ताला तो लगा के जाते हैं, लेकिन ये दिल में ये रहता है पता नहीं कब ताला तोड़ लें, कब कोई आवश्यक सामग्री ले जाएँ हमें, हमारी सामग्री रखने। अभी तक ये बताएं, 2 बार चोरी में क्या क्या सामान लगा? अभी तक पहली चोरी हुई थी, उसमें 2 कुर्सियाँ, 1 टेबल, 1 पर्स और 1 गेट फाटक जो लेटरिन बाथरूम के लिए अपन टूटा उसके लगाने के लिए लाए थे वो ले गए। फिर दोबारा चोरी हुई, उसमें 2 पर्स चले गए हैं। तो क्या लगता है ये किस प्रकार के लोग हैं जो चोरियों को अंजाम देते हैं? संभवतः है ये लोग वो हैं जो इस गाँव में नशे के आदि हैं। उनको किस प्रकार का नशा करते हैं वो सुनने में ऐसा आया कि यहाँ पर इस गांव में कलोरा में स्मैक ही ज़्यादा हैं, स्मैक का नशा ज़्यादा है। हाँ, स्मैक का नशा करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो आशंका यही जताई, आशंका तो यही जताई जा रही है और ऐसे लगता है हमें भी कि वो स्मैक ही लोग हो सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।